फ्रेंड्स, आज है श्री रामचंद्र जी का दिन, तो बज गया है 9:15 फ्रेंड्स। देखिए, और हम लोगों का काम भी हो ही चुका है, साफ सफाई सब हो गई है, और यहाँ पर लगा रही है खुशी पोछा। आप देख रहे होंगे खुशी का पोछा लग चुका, और यहाँ इनकी हो रही है शेविंग। बस ये जाएंगे नहाने के लिए, और यहाँ ये बैठे हैं फोन चलाने के लिए। हेलो गाइस, तो यहाँ हो गया है मेरा नहाना धोना, और हम जाएंगे आज प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर। तो हम श्री राम जी के वहाँ जाएंगे। अयोध्या तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अयोध्या जिसका बुलावा है वही गया है, और हम लोग जाएंगे ओरछा। वहाँ भी श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, राजा राम सरकार है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बस थोड़ी देर में वहाँ निकल जाएंगे, बस थोड़ा सा घर का काम बाकी है अभी। तो जल्दी जल्दी हम लोग काम कर रहे हैं, और बस मुझे अभी पूजा करनी है, और फिर हम उसके बाद नाश्ता पानी करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे। और मैं वहाँ का पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, और आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे क्या क्या है, कितना सुंदर मंदिर है, कितना सब कुछ खूबसूरत नज़ारा है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ का मौसम देखिए फ्रेंड्स, आज का मौसम यहाँ कुछ ऐसा है, और बहुत कोहरा है, और बहुत ज़्यादा कोहरा है, पता नहीं कब तक धूप निकलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पी लेती हूँ मैं चाय काम करते करते, क्योंकि काम है ज़्यादा और टाइम है कम। तो खड़े खड़े जल्दी जल्दी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर भागती हूँ जल्दी से काम करने के लिए। देखो ना, मेरा ठंडे पानी से नहा के कैसे मुंह हो गया, मोजी लाल हो गई और गाल भी लाल हो गया। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो चुकी है, और हम तैयार होने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग रेडी हो चुके हैं, और बस 12 भी बज गया करेक्ट, तो बस चलिए चलते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, और निकलना तो हमें थोड़ा जल्दी था, मगर आपको तो पता है लेट तो हो ही जाते हैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद रास्ते में। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं। देखिए, हम लोग रोड पर आ गए हैं, मतलब हाईवे पर, और हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं ओरछा मंदिर श्री राम जी का, और वहाँ पहुँच के आपको दर्शन जरूर करवाएंगे। तो देखिए, हम लोग तीनों जा रहे हैं, मेरे पति देव जी और मेरी बेटी। तो हम लोग कुछ देर में पहुंचते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं वहीं पर आप लोगों से। तो ये देखिए, नया हाईवे बना है, खजुराहो हाईवे, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हाईवे है। फटाफट ओरछा पहुंच जाते हैं हम लोग इस रास्ते से, लेकिन हम लोग ज़्यादातर नहीं जाते हैं, बहुत ही दिनों में जा पाते हैं, पता नहीं क्यों। तो फ्रेंड्स, यहाँ का ही सैनिक पब्लिक स्कूल देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा स्कूल है। और यहाँ आ गई है पहाड़ियाँ, देखिए पत्थर टूटे पड़े हैं। ये हम लोग हाईवे से नीचे उतर के आ गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग एंट्री कर चुके हैं श्री राम राजा द्वार में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का मैं आपको जंगल दिखाती हूँ, जंगल जैसा रास्ता है ओरछा का, और कुछ देर में ही ओरछा मंदिर आने वाला है। हमें अभी कुछ लोग मिले थे रास्ते में, हमने उनसे पूछा था कि गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन वो लोग बोले कि हमें पैदल ही जाना है। तो कितनी अच्छी पैदल यात्रा कर रहे हैं वो लोग, छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ 10-12 साल के। तो हमने काफ़ी कहा उनसे बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने पैदल जाना है, क्योंकि लोग अयोध्या भी पैदल गए तो यहाँ तो पास में ही है। और एक हम लोगों को देखिए, इतने आलसी हैं। तो देखो फ्रेंड्स, कितने सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के, इनके टीचर्स यहाँ पर ओरछा घुमाने लेकर आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर आए हैं एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इसी चक्कर में गाड़ी अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं ये लोग, पार्किंग इन्होंने पहले ही बना दी है, तो सब लोग गाड़ी यहीं पार्क कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। तो यहाँ से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है मंदिर का। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ गाड़ी लगा दी है, हमने क्या सभी ने गाड़ी यहाँ लगा दी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ गाड़ी पार्क करके और फिर चल रही है अंदर के लिए। हमने कर दी है पार्क, और देखिए सारी गाड़ियाँ यहीं पर रोक ली हैं, क्योंकि उधर वो बोल रहे थे कि सीएम साहब का चल रहा था प्रोग्राम, तो हमें कोई और भी मिलने वाले थे, और वो लोग हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग पहले आ गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लोग मिल गए हैं चंदू भैया और उनकी फैमिली। तो फ्रेंड्स, फाइनली इन्हें और आना था इसको भी, और अब हम और क्या पहुँचने वाले हैं। देखिए डेकोरेशन यहाँ कितना अच्छा सजाया है, ओरछा मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं, गाड़ी पीछे पार्क करवा ली है, और देखिए हम लोग एंट्री करने वाले हैं।
तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ से दिखेगा आपको बिल्कुल सामने मंदिर श्री रामचंद्र जी का। आप देख रहे होंगे मैंने जूम करके दिखाया आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे पहली दुकान पड़ती है ये पीतल की। यहाँ पे सभी कुछ मिलता है, तो हम सोच रहे थे गणेश जी की मूर्ति लें, फिर हमने ली नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अंदर। देखिए अंदर देखते हैं कितनी भीड़ है। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी, यहाँ पर कुछ कम भीड़ दिख रही है। तो यहाँ हम ले लेते हैं फूल वगैरह, क्योंकि यहाँ फूल की माला और फूल बिक रहे थे, तो हमने वही ले लिए हैं। और प्रसाद अभी लेना है बगल वाली दुकान से, क्योंकि प्रसाद की व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी है यहाँ पर। प्रसाद में यहाँ पे पेड़ा और केक मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रसाद और पुष्प ले चुके हैं अंदर के लिए, मंदिर में जाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कितना सुंदर दरबार सजा है श्री रामचंद्र जी का। अंदर तो और भी ज़्यादा सुंदर सजा है। अंदर वैसे वीडियो नहीं बनाते, यहाँ पे चल रहा है भंडारा, आप लोग देख रहे होंगे। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको अंदर का नज़ारा दिखा सकूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, मेन गेट है ये। भीड़ देखिए आप लोग, कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। और भीड़ में तो मानो कि हम लोग बस दिमाग ख़राब था, क्योंकि इतनी भीड़ में जाने का मन तो नहीं होता, लेकिन आज तो जाना ही पड़ता, क्योंकि आज मन था मंदिर के अंदर जाने का, तो हम भी जाके रहेंगे। चलिए देखते हैं, लाइन में धक्का धक चली जा रही है लाइन है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए अंदर और हम लोग यहाँ प्रसाद चढ़ा चुके हैं। अंदर बिल्कुल भी मतलब ये था कि कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। अनाउंसमेंट हो रहा था बार बार कि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, जिसने वीडियो और फोटो खींचा उसका फ़ोन छीन लिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमने आप लोगों के लिए देखिए अंदर का सब दिखाया है। बस मैन श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं करा पाए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही मुश्किल था वहाँ का फ़ोटो वीडियो लेना। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। तो देखिए यहाँ पर दिए जला रखे हैं सब ने, बहुत सारे दिए यहाँ पर जले थे, तो वहीं पे मैंने सोचा मैं भी हाथ जोड़ लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल बीच में से जूम करके कि सामने प्रभु रामचंद्र दिख जाए। और हम लोग आ गए बाहर, देखिए ये कर रहे हैं पुष्प की वर्षा। Come on, come on.